हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं डेली टू इंडिया। हम सात ताल के रास्ते में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा लश ग्रीनरी है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये सात ताल लेक है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितना ज़्यादा फॉग है। ये देखिए पूरी घाटी है यहाँ पे और दर्शन करते हैं मंदिर में जाके। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भीमताल से हल्द्वानी का छोटा सा सफर। दोस्तों, अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये भीमताल लेक है। दूसरा सबसे बड़ा लेक भीमताल ही है जितने भी लेक्स हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर बादल हैं और नीचे बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। इस लेक की खास बात ये है कि इस लेक के बीच में एक आइलैंड है जिसके अंदर एक एक्वेरियम बना हुआ है। बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी की तो इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ पे किस तरह से लोग पहाड़ काट काट कर अपने होटल रिजॉर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट होती है और साथ ही में लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये आइलैंड है जो कि भीमताल लेक के बीच में है ये वाला। और सामने देखिए कितने अच्छे बादल लगे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पे लेक में बहुत तरह की फ़िशेज़ भी पाई जाती हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी फ़िशेज़ हैं यहाँ पे। अभी इस समय मैं भीमताल में भीमताल लेक पे बने डैम पे खड़ा हूँ। भीमताल लेक के बीच में एक आइलैंड है जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। साथ ही में यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। आप कभी भी यहाँ पे वीकेंड्स में आ सकते हैं। यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 20-25 डिग्री के बीच में ही रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का वेदर कितना अच्छा रहता है। साथ ही में यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है महादेव का, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक भीमताल डैम के बगल में यहाँ पर ये भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। ये डैम 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये मंदिर कहा जाता है कि महाभारत के टाइम का है। अगर आप कभी भी भीमताल आएँ तो ये मंदिर ज़रूर विज़िट करें। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है और ये लेक के पानी को एक कंटिन्यूस फ्लो में कन्वर्ट कर देता है जो कि नीचे इरिगेशन के काम आता है। असल में ये लेक जो है ये एक नेचुरल रिजर्वायर है, इसके नीचे स्रोत हैं जहाँ से पानी निकलता है और धीरे धीरे जब लेवल बढ़ने लगता है, साथ में बारिश ज़्यादा होती है तो ओवर लेवल ना हो जाए वाटर का, इस वजह से यहाँ पर एक डैम बनाया गया और साथ में निचले इलाकों में बाढ़ ना आए इस वजह से भी ये डैम सपोर्ट करता है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ लेक शुरू होने से लेकर आप एकदम लास्ट में वहाँ सामने घोड़ा खाल है, वहाँ तक जो है ये पूरी वैली जो है भीमताल वैली है। काफ़ी सारे विलेजेस हैं इसमें और भीमताल की पॉपुलेशन केवल 7000 की है, तो एक बहुत ही अच्छा ये वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, यहाँ पे ये भीमेश्वर महादेव टेम्पल है और बहुत ही फेमस टेम्पल है ये भीमताल का। और आइए यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद वापस से दिल्ली चलते हैं। अभी आप नैनीताल घूमने के लिए आए हैं और जो लोग प्लांट्स का शौक रखते हैं
उनके लिए भीमताल में बहुत सारी नर्सरीज हैं जो कि होलसेल रेट पे बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स देती हैं, और यहाँ पे प्लांट्स बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसके बाद वो दिल्ली में और भी बहुत सारे एरियाज़ में, पंजाब साइड में भेजे जाते हैं। तो यहाँ इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं जहाँ से आप होलसेल रेट में कई वैरायटीज़ के प्लांट ले सकते हैं, और अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं तो आप नर्सरी विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भीमताल में एक नर्सरी है, वो मैं आपको ऐसे ही वीडियो के थ्रू दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों प्लांट्स रखे हुए हैं, और ये सब होलसेल रेट पे यहाँ अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे तैयार किए जाते हैं यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, और उसके बाद फिर इन्हें दिल्ली साइड भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सकलेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, हैंगिंग बास्केट्स, वाइन्स, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं अक्टूबर में तो फिर आप ये वाले प्लांट्स यहाँ से ले जा सकते हैं। अब देख सकते हैं नर्सरी कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। दोस्तों ये प्लांटिस्ट नर्सरी थी बाईपास रोड भीमताल पे, और यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे इनका ये बाहर का गार्डन है जहाँ पे सारे पेरिनियल प्लांट्स भी रखे हुए हैं। आप कभी भी जब भीमताल विज़िट करते हैं तो इस नर्सरी को विज़िट कर सकते हैं, और साथ में कुछ अगर प्लांट्स पसंद आ जाएँ तो प्लांट्स भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको आज भीमताल घुमाया, और मैंने ये वीडियो बनाया और आपके साथ मैं इसको यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और मुझे यहाँ छोटा भाई मिला है, और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा बोल रहा था। इसने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा तो इसने कहा क्या आप यूट्यूबर हो, तो मैंने कहा अभी तो बस 150 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मयंक नाम है भाई का। बारिश हो रही है, इतनी धीरे हो रही है कि आप भीगोगे नहीं, तभी मैंने कैमरा बाहर रख रखा है। और आप रास्ता एंजॉय कीजिए। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सामने दूर दूर तक पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, नीचे खाई है। देखिए दोस्तों खूबसूरत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी आप सामने का यहाँ व्यू देख सकते हैं। अभी मैं भीमताल से हल्द्वानी जा रहा था, और रास्ते में यहाँ पे ये सलड़ी गांव के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही स्नैक्स लेने के लिए रुके। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम के 5:30-6 बज रहे हैं करीब, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी शाम का समय है, 5:30 बज रहे हैं, और मैं हल्द्वानी से भीमताल जा रहा हूँ। और रास्ते में मैंने स्नैक्स की तरह यहाँ पे ये रायता और ये आलू के गुटके लिए हैं। ये कुमाऊँ में बहुत फेमस स्नैक्स है, इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही डिसेंट टेस्ट है, और इस प्लेट के साथ ये सीन। हिल्स में घूमते हैं
तो दो तीन चीज़ें कॉमन होती है, पहली तो मैगी, दूसरी चाय, तीसरी जब सीज़न होता है तो यहाँ हिल्स में भुट्टा मिलता है। तो अभी मैं वही भुट्टा ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप भीमताल से या नैनीताल से नीचे की तरफ आएंगे, हल्द्वानी की तरफ, हिल्स में, खासकर इस सीज़न में, मानसून के सीज़न में, इस तरह की बहुत सारी आपको ये भुट्टे वाली शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे। भैया, ये इसी सीज़न में रहती है ना? बस कब तक रहती है ये? जैसे कि भैया बता रहे हैं, ये वाली जो शॉप्स रहती हैं यहाँ पे केवल अक्टूबर तक रहती है। तो अगर आप इस सीज़न में आए तो यहाँ पे भुट्टा इंजॉय कर सकते हैं। और ये यहीं का होता है, पहाड़ का होता है ना भैया? साल की लकड़ी है ये, साल की लकड़ी पे यहाँ पे ये भुट्टा पकाया जा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भुट्टा पक रहा है मस्त एकदम। बहुत ही गर्म होगा अभी ये, अभी मतलब कुछ ठंडा हो गया। तो ये आ गया हमारे पास ये भुट्टा, इसको अब एंजॉय करते हैं हम लोग। इस पे जो है इन्होंने मिर्च की चटनी लगाई है, बटर लगाया है, नमक लगाया है और मिर्चा लगाया है। इसको टेस्ट करता हूँ एक बार, उसको आप उसके बाद आपको टेस्ट बताता हूँ, उसके बाद इसको फिनिश करके हम आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। एकदम क्रिस्प और चटपटा है, मज़ा आ रहा है खाने में। इसको मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद हम आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। काठगोदाम और हल्द्वानी जो है वो ट्विन सिटीज़ हैं। काठगोदाम और हल्द्वानी आपको आना ही पड़ेगा अगर आपको कुमाऊँ की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना है। और यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ का भी रास्ता जाता है। तो देख सकते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा इंजन खड़ा किया गया है और सामने स्टेशन है और उसके पीछे पहाड़ है। व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये सीधे जो है जो हल्द्वानी नैनीताल रोड है वो है बाहर। और यहाँ से आपको हर जगह की बस मिल जाएगी अगर आपको पहाड़ों में कहीं पे भी जाना है। दोस्तों, आपने देखा, आज सुबह सुबह मैं हल्द्वानी में था, सुबह 4 बजे, जो कि आपने मुझसे पिछली वाली वीडियो में देखा होगा। और अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी हम डिनर कर रहे हैं। और आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं मेरे दोस्त यश भाई, मेरा क्लासमेट था ये कॉलेज में। और अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर मैं बस से जा रहा हूँ वापस दिल्ली। तो ये मुझे ड्रॉप कर देगा बस स्टेशन पर। हल्द्वानी से दिल्ली की जर्नी मैंने बस से की। दोस्तों, इसी के साथ दिल्ली टू भीमताल सीरीज को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपने बाकी दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।